में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं आज की बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी ने और दो प्रत्याशी उतारे। शालिनी यादव देगी पीएम मोदी को टक्कर। चंदौली से संजय चौहान के नाम पर मोहर। लखनऊ और वाराणसी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सोमवार को दो उम्मीदवारों की सूची जारी की। इनमें चंदौली और वाराणसी शामिल है। समाजवादी पार्टी ने चंदौली से संजय चौहान को प्रत्याशी बनाया है। वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शालिनी यादव को टिकट दिया है। महागठबंधन की ओर से शालिनी यादव पीएम मोदी को वाराणसी में टक्कर देगी। वाराणसी से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी शालिनी यादव के नाम के ऐलान के बाद इन अटकलों पर विराम लग गया है। समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी महागठबंधन की ओर से बनारस से कांग्रेस के प्रत्याशी का समर्थन किया जाएगा। बनारस से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वांचल की चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा से चुनाव लड़ने की चर्चा है। खुद प्रियंका बनारस से चुनाव लड़ने के संबंध में बोल चुकी है कि अगर राहुल गांधी ने कहा तो वह वाराणसी से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि प्रियंका काशी से चुनाव लड़ सकती है। दूसरे और पार्टी का एक धड़ा अब भी इस बात से इनकार कर रहा है। सनी देओल ने थमा बीजेपी का दामन। गुरदासपुर से लड़ सकते हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए बॉलीवुड सितारों को चुनावी अखाड़े में उतारने में लगी है। इसी कड़ी में बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सनी देओल ने रक्षा मंत्री निर्मला सीताराम और रेल मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में दामन थामा है। जानकारी के अनुसार सनी देओल को बीजेपी गुरदासपुर सीट से चुनाव में टिकट दे सकती है। हालांकि इसे लेकर बीजेपी या फिर सनी देओल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हमारी सरकार पर 5 साल में भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं, पीएम मोदी। ओडिशा में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के एवं ओडिशा के कोने कोने से मुझे आपका समर्थन मिल रहा है। इसके लिए आप सबका आभारी हूँ। अहमदाबाद में वोट डालकर आपके पास आया हूँ। प्रधानमंत्री ने सभी से मतदान करने के लिए अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मतदान करना हमारा कर्तव्य भी है और सौभाग्य भी है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार पर 5 साल में भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा है। विरोधियों को चुनाव में मोदी के खिलाफ मुद्दा नहीं मिल रहा है। ऐसे में विरोधी दल बौखलाहट में मुझे गाली दे रहे हैं। देश मजबूत सरकार के मजबूत नेतृत्व के साथ खड़ा है। ओडिशा में बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।